भाई अभी मैं फुटबॉल कोर्ट आया था मैच वगैरह देखने. कैन यू से समथिंग? लेट्स गो गाइस. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. भाई तुम्हारा भाई अभी भी सो के उठा था. टाइम हो रहा है 6:33. ये देखो भाई, तुम्हारा भाई इसलिए इतनी जल्दी उठ गया भाई क्योंकि एग्जाम वगैरह की मेरे को तैयारी करनी है. आज मेरा पेपर है 12:30 और मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ा. फाइनल एग्जाम है मेरा 25% का. कल भी बिजी था मैं, परसों भी बिजी था. दो दिन वैसे कॉलेज की छुट्टी होती है एक तरीके से, मेरी क्लास वगैरह नहीं होती, पर मैं बिजी था मीटिंग की वजह से और परसों असाइनमेंट बनाने गया था कॉलेज. ये सीन था. चलो भाई अब बैठते हैं और अपना भाई पढ़ते हैं. भाई नहा धो के मैं तैयार हो गया था अपने पेपर के लिए. अभी टाइम हो रहा है 12:06. जब सुबह का उठा था भाई तब का पढ़ ही रहा था. अब भाई राइड आ रही है पेपर के लिए, हो चुका हूँ मैं लेट थोड़ा. अब भाई वेट कर रहा हूँ अपनी राइड का, कब आएगी, कब कॉलेज पहुँचूँगा. 12:30 पेपर है मेरा. अभी टाइम नहीं है भाई खाना वगैरह बनाने का. रोटियाँ बनी पड़ी हैं भाई पैकेट वाली, सेकने का टाइम नहीं है. तुम्हारा भाई खा रहा बिस्कुट. वेट कर रहे हैं भाई राइड का, आराम से पेपर दे के आएंगे. मस्त रिलैक्स पढ़ लिया तुम्हारे भाई ने पेपर का एकदम बढ़िया, 4-5 घंटे लगा के. और मौसम चेक करो भाई अब कनाडा कैसा हो रहा है. मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया भाई. अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, धूप हट गई है. अब इंतजार करते हैं राइड का, राइड के अंदर फिर बैठते हैं. कॉलेज भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया था. ये हमारी क्लास खड़ी है सामने, देखो भीड़ लगी है. अभी सर अंदर टेस्ट वगैरह रख रही है, पेन पेपर टेस्ट है. सर ने भाई नाम लिखा हुआ है टेस्ट के पीछे सबका, कि भाई ऐसे इस डेस्क पे बैठेगा, उस डेस्क पे वो बैठेगा. ठीक है, अब मैं आपको भाई बाहर का व्यू दिखाता हूँ. ये देखो ये देखो, ये है बस स्टॉप. बच्चे खड़े हैं, भीड़ खड़ी है भाई बाहर. ये भाई हमारे यार क्लासमेट्स, प्रभु दे आर क्लासमेट्स, दे आर फ्रॉम केरला, दे आर वेरी नाइस पीपल ब्रो. भाई केरला के बंदे हैं, इनको भाई हिंदी वगैरह आती नहीं है, आती है कम आती है, बड़े बढ़िया बंदे हैं भाई. सारे क्लास में भाई अधिकतर मैंने देखा है इंडियन ही है हमारी, मतलब आप ले लो 98% इंडियन ही है, 2-3 ही गोरे हैं बस. अब भाई वेट कर रहे हैं, 3 मिनट रह गए टेस्ट के अंदर, तुम्हारा भाई देगा टेस्ट. चलो भाई अब चलते हैं भाई क्लास के अंदर. भीड़ देख के भाई, ये देखो, ये देख रहे हो भाई भीड़ बच्चों की टेस्ट के लिए. कितने भाई वो हैं मोटिवेट वगैरह की टेस्ट देना है. चलो भाई अब एंटर मारता हूँ क्लास के अंदर. भाई टेस्ट वगैरह दे के मैं अपना आ गया था. टेस्ट भाई मेरा एकदम बढ़िया गया है. फिर भाई मैं आ गया था कैफेटेरिया के अंदर बैठा था. टेस्ट भाई एकदम जिसे कहते हैं ना बढ़िया गया है. 40 भाई MCQ थे, उसके अंदर 18 नंबर का लिखने वगैरह था. लिखने वगैरह में मैं थोड़ा डामाडोल हो गया. MCQ तो टिक मार्क ही थे, वो तो कर दिए मैंने. अब भाई कैफेटेरिया के अंदर बैठा था. कैफेटेरिया का मॉल वगैरह दिखाता हूँ आपको. ये उस्ताद बैठे हैं हमारे, अरे प्रिंस भाई हैं ये. ये सारनिया के टॉपर हैं भाई. अगर कोई भी हेल्प चाहिए असाइनमेंट से रिलेटेड, किसी भी संबंधित कॉन्टैक्ट करना भाई से. भाई का नंबर है 3535. क्या ब्रो बोल, कह रहा 6969. कैमरे से डर गया ब्रो बंदा, कह रहा 6969 तो नहीं है. चलो भाई कुछ नहीं करनी. चलो भाई अब कैफेटेरिया का मॉल वगैरह दिखाता हूँ. कैफेटेरिया भाई खाली पड़ा, अभी टाइम हो रहा है 3:16. रुक जाए एक मिनट. ये देखो, ये रहो, ये हमारा भाई कृष्णा साहब. ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਯਾਰ. ਲੋ ਬ్రో ਕਰੋ ਬ్రో ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਯਾਰ. ਇਹ ਭਾਈ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੈ ਬ్రో. ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੈ ਉਹ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੇ ਹੈ ਭਾਈ. ਬਤਾਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬ్రో. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ. ਭਾਈ ਹੈ ਬ్రో ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੇ. ਭਾਈ ਭਾਈ ਟੋਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਪਰ ਹੈ ਭਾਈ. ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੈਂਟ ਕਰਪਟ ਯਾਰ. देख लो भाई क्या कहते हैं, देख लो भाई. बाकी कृष्णा, कृष्णा को लेते हैं अभी. कृष्णा अपना भाई बिजी चल रहा है थोड़ा. बाकी यार कैफेटेरिया पूरा खाली पड़ा था आज. टीम दिखाता हूँ टीम में क्या सीन है. टीम भी खाली है आज, कोई बंदा पैसे खर्च के राजी नहीं हो रहा आज. चलो भाई बैठते हैं कैफेटेरिया के अंदर. कटिंग एकदम बढ़िया लग रही है. कुछ बंदे मेरे को कह रहे कटिंग तेरी चोरों वाली लग रही है. कटिंग भाई मेरी एकदम एंड लग रही है, उनको क्या पता. भाई अभी मैं फुटबॉल कोर्ट आया था मैच वगैरह देखने. कैन यू से समथिंग? लेट्स गो गाइस. चलो भाई ये दिखाता हूँ आपको, मैच वगैरह चल रहा है. एक तो मिसिसागा टीम है और एक अपनी सारनिया की टीम है. सारनिया ही कौन सी है ब्रो? वाइट वाली भाई सारनिया की है.
और ये कौन सा, ये दूसरी वाली है मिसिसागा की। अभी देखते हैं भाई, सारे बंदे आए हुए हैं देखो पीछे। अब देखते हैं भाई मैच वगैरह, शॉट वगैरह डालूंगा मैच पे। भाई बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, मैं कैफेटेरिया से इधर आ गया था मैच वगैरह देखने मेरे दोस्त निखिल के साथ। बहुत बढ़िया मैच जा रहा है एकदम। ये बंदे भाई चेयर्स कर रहे हैं। अब देखते हैं यार, कुछ शॉट वगैरह डाल दूंगा वीडियो के अंदर मैं। भाई मैच वगैरह खत्म हो गया, सारनिया जीत गए अपना। ये रे भाई इसमें मेरे को पता नहीं था ये मैच वगैरह अंदर चलता है, क्या कहते हैं। मैंने अभी सेठ ने बताया मेरे को, बताइए कि क्या होता है फुटबॉल वगैरह का, क्या सीन है बता। तू कह रहा था मैच अंदर होता है बाउंड्री वगैरह का। ये फुटसल मैच है, ये इंडोर ही होता है। इसकी बता, जीत गया भाई। वो कप मिल रहा है, वो कप मिल रहा है ब्रो। अहमदाबाद ले जाए गणेश। फोटो सेशन वगैरह चल रहा है भाई उधर। अब चलो भाई अपना सारनिया जीत गया, ये देखो मैच वगैरह देख के हम निकल गया था बाहर। पीछे चलता है मैच, वो जो डैन है उधर भाई। बहुत बढ़िया मैच हुआ अपना, सारनिया जीत गया। कितनी देर चला होगा उस्ताद? 15-15 मिनट के दो हाफ्ते। मैं तो बाद में गया था, ये पहले का बैठा हुआ था निकल। अब चलते हैं भाई दोबारा कैफेटेरिया में। बस टेस्ट की टेंशन थी सुबह, मैंने कहा ना भाई टेस्ट तक टेंशन होती है, नहीं तो फिर तुम्हारा भाई कैमरा कुमरा फिर उठा लेता है। टेस्ट तक कैमरा डेड रहता है मेरा कि भाई टेस्ट में क्या होगा क्या होगा। पर भाई टेस्ट भी बहुत बढ़िया चले गया, सब्जेक्ट में भाई बैक वूक नहीं लगेगी, तुम्हारा भाई पास हो जाएगा बढ़िया नंबर से। अब जाते हैं दोबारा कैफेटेरिया, अपने दोस्तों वगैरह के साथ बैठते हैं और चिल करते हैं। कैफेटेरिया भाई मैं आ गया था, भाई लाया पीनट बटर और ब्रेड, अब कर रहे हैं उसको गर्म। ये देखो कॉलेज के अंदर ओवन है ब्रो, ये देखो भाई ओवन लगा हुआ है कॉलेज के अंदर। एक ओवन इधर लगा हुआ है, एक ओवन सामने लगा हुआ है, दो ओवन लगे हुए हैं। कॉफ़ी वगैरह ली थी हमने भाई सामने, जो टीम है कॉलेज के अंदर, मेरी कॉफ़ी एक मेरे दोस्त की एक मेरी है। कॉफ़ी वगैरह भाई मैं पीऊँगा और ये ब्रेड ब्रूड खाऊँगा और अपना भाई जाऊँगा अपनी फ्रेंड के घर, जाके असाइनमेंट वगैरह करूँगा। अभी टाइम हो रहा है 5:03, 10-15-20 मिनट में भाई मैं निकल जाऊँगा इधर से। कॉलेज से बाहर भाई मैं निकल गया था, अब बस के अंदर चढ़ते हैं और जाते हैं अपनी फ्रेंड के घर। अभी टाइम हो रहा है 5:58, मौसम चेक करो, अंधेरा हो रहा है भाई बिल्कुल। नहीं तो भाई कनाडा के अंदर इस टाइम पे एकदम पूरी रोशनी रोशनी होती थी भाई। मैं भाग के जाता हूँ बस के अंदर, बस चली ना जाए। इधर से होती है हमारी बस वगैरह चेंज, इसे कहते हैं हम मर्फी टर्मिनल सारनिया के अंदर। ये देखो भाई बसें, एक ये खड़ी, एक बस पीछे खड़ी है, एक बस पीछे खड़ी है, एक ये खड़ी बस। और भाई इधर देखो बस के चार्ट वगैरह लगे होते हैं, भाई पीछे पड़ रहे हैं, बस के चार्ट वगैरह लगे होते हैं कौन सी रूट पे कौन सी बस जानी है, ये सारा सीन होता है। ये दिखाता हूँ भाई चार्ट आपको, ये सारा सारनिया का रूट है, मंडे टू सैटरडे डे सर्विस। इधर से बंदा देख के जा सकता है भाई, इधर उधर बस वगैरह पकड़ सकता है। अब मैं दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ यार अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए, बस जाते सारा असाइनमेंट करने लग जाऊँगा यार, क्योंकि 12 बजे सबमिशन है। भाई मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गया था, तुम्हारे भाई ने अपना असाइनमेंट वगैरह जो था 12 बजे से पहले सबमिट करना था वो कर दिया। अभी टाइम देखो भाई कितना हो रहा है, 11:52। अब करेंगे भाई अपने घर पर जाने की तैयारी। इसके बाद भाई मैं अपना घर जाऊँगा, मेरा घर इधर से 15-20 मिनट दूरी पर है, फिर जाके सो जाएंगे। इस व्लॉग को भाई करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भाई वीडियो का अगर कोई भी पार्ट बढ़िया ना लगा हो, कोई कैमरा एंगल अगर वॉइस वगैरह ना बढ़िया लगी हो, हाँ भाई तेरी वॉइस लो है तो कैमरा एंगल ऐसे रखा कर, भाई मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करो, इससे मेरे में इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि भाई मैंने अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तुम्हारा भाई इतना प्रोफिशिएंट नहीं है व्लॉगिंग के अंदर। इस व्लॉग को भाई फिर करते हैं यहीं पर एंड। बाय गाइस।